हेलो गाइस, आज की हमारी सब्जी है कैप्सिकम पोटैटो की मसाला करी। सो उसके लिए यहाँ सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम किया है, जिसमें हम जो है हमने देखे थोड़े बड़े साइज़ में आलू कट किए हुए हैं, तो उसे हमें थोड़ा क्या है 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से मीडियम आँच पे फ्राई करके निकाल लेना है। अब यहाँ मैंने कुकर में 1 चम्मच तेल गरम किया है, जिसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरा। हमारे आलू जल्दी पकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो क्या है वो जल्दी से हमारे आलू में थोड़ा नमक जो है वो लग जाएगा, वरना कि सिर्फ बिना नमक के फ्राई करेंगे तो आलू में फिर नमक नहीं लग पाएगा। सो यहाँ जब जीरा हो गया है हमारा, तो हमने इसमें 1 बड़ा साइज़ का प्याज है जिसे बारीक कट करके हमने डाल दिया है, उसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हम, और उसके बाद डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल जो है वो चला नहीं जाता। और उसके बाद थोड़ा भून लेने के बाद हम इसे मसालों में डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबको डाल के हम थोड़ा पका लेंगे, और थोड़ा सा क्या करेंगे हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो ना चले। अभी हमारे मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं, आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, तो हमने उसकी जगह पर अभी 1 और चम्मच तेल डाल के हमने कैप्सिकम को फ्राई करने रखा है। यहाँ हमारे मसाले पक गए, तो मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्ची और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कट करके डाल दिया है, और साथ ही साथ टमाटर को अच्छे से पकने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, और जब तक कि हमारे टमाटर मसाले सब अच्छे से पक जाते हैं, हमें इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे से पका लेना है। यहाँ थोड़ी सी खसखस और 3 से 4 काजू को हमने गर्म दूध में डाल के रखा है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये वाला स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी हमारे कैप्सिकम और जो आलू है वो फ्राई हो गए, दोनों को हमने हमारे इस मसाले में डाल दिया, अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर हम इसे होने देंगे। और उसके बाद जो हमने खसखस और कैशनट का दूध में डाल के पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। ये इसको थोड़ा सा रिच और क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए है, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहिए तो इसे स्किप करके डायरेक्ट इसमें 1/2 कप पानी ग्रेवी के हिसाब से डाल के कुकर में विसिल लगा सकते हैं, 2 ही विसिल लगाना है। और अगर आपको थोड़ा सा रिच टेस्ट देना है, क्रीमी टेक्सचर देना है, तो जैसे हमने डाला था उस तरीके से कैशनट डाल के आप इसकी ग्रेवी रेडी कर सकते हैं।